हेलो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल ब्यूटीफुल विद इन पे। सो डियर, रिसेंटली मैंने एक स्किन वाइटनिंग सोप के ऊपर रिव्यू किया था और बहुत लोगों ने मुझे उसके बाद रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज कोजी केयर स्किन वाइटनिंग सोप के ऊपर भी रिव्यू करें। सो मैंने लिए थे 3 पैकेट्स फ्रॉम अमेजोन और उसको यूज किया है मैंने ऑलमोस्ट 15-20 डेज और आज मैं उसका प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। सो ये स्किन वाइटनिंग सोप है कोजी केयर नाम का। सो ये आप लोगों ने मुझे कहा था रिव्यू करने के लिए, सो मैंने इसे यूज़ किया और मैंने देखा है कि क्या क्या यू नो उसके इफेक्ट्स हैं। सो आज मैं कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आई हूँ इस सोप का। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो ये है कोजी केयर स्किन वाइटनिंग सोप और ये जो होता है इसका नेट वेट जो आपको मिलता है वो 75 ग्राम्स का है और इसकी MRP है 85। सो काफ़ी अफोर्डेबल है और ये जो है ना कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो ओम हेल्थ केयर है और इसका जो मार्केटिंग करता है ये है वेस्ट कोस्ट फार्मास्यूटिकल्स इसका मार्केटिंग करता है। सो इसके ऊपर ये सारी जो डिटेल्स है वो मैंने आपको फटाफट बता दी। सो अंदर से सोप आपको एक ट्रांसपेरेंट फॉइल में मिलता है, सो इस तरह से, और इस तरह से सोप कुछ लगता है अंदर से एंड इट इज़ लाइक यू नो ऑफ वाइटिश कलर का जो है वैसा काइंड ऑफ नॉर्मल सोप जैसा होता है वैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा सॉफ्ट ऐसा कुछ नहीं, हार्ड है काफ़ी यू नो। सो पहले ही जैसे आप पैकेजिंग ओपन करेंगे ना, जैसे ही इस ट्रांसपेरेंट फॉइल से इसे निकालते हैं तो सबसे पहले जो फ्रेग्रेंस आती है आपको बहुत ही ज़्यादा सिट्रिक फ्रेग्रेंस आती है। सो वो यू नो सेंसिटिव नोज वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो ये मैं एक पहली बात कह दूँ आपको। जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे बहुत ही ज़्यादा सिट्रिक फ्रेग्रेंस आती है। सो उसका एक और एक रीज़न है वाई, बिकॉज इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है ना फ्रेंड्स। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्किन वाइटनिंग सोप हम जो कहते हैं, ओके, सो अगर आप कोई भी स्किन वाइटनिंग सोप लेते हो तो पहले तो आप समझ जाइए कि आपकी जो स्किन का कलर है वो कैसे आता है बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज मेलानिन। नाउ मेलानिन पिगमेंट अगर जिसके भी स्किन में ज़्यादा हो तो उसका कलर डार्क होता है, अगर उसका पिगमेंट थोड़ा सा ओके है तो उसको मीडियम आता है एंड अगर जो मेलानिन पिगमेंट कम है तो उसको फेयर टोन मिल जाता है स्किन का। सो वो आप पहले समझ जाइए। तो जो भी सोप आप यूज़ करते हो या कोई क्रीम यूज़ करते हो, सो उसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो आपके मेलानिन पिगमेंट को कम करे, ठीक है। तो ये उसी से बना है, इसका नाम कोजी केयर इसलिए है बिकॉज ये कोजिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा वो है कोजिक एसिड, सेकेंड इंग्रेडिएंट है आर्ब्यूटिन, थर्ड है विटामिन सी जैसे मैंने आपको कहा। जैसे हम ओपन करते हैं बहुत ही ज़्यादा लाउड सिट्रिक फ्रेग्रेंस आती है, सो विटामिन सी से भरपूर है एंड विटामिन ई ऑल्सो इट हैज़। सो ये क्या क्या क्लेम करता है पहले मैं आपको बता दूं, पैकेजिंग पे क्या क्या लिखा हुआ है। पैकेजिंग पे लिखा हुआ है कि ये एक एंटी एजिंग सोप है, सेकेंड ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को एंड थर्ड ये करता है सन प्रोटेक्शन। सो यही 3 क्लेम्स दिए हैं, बाकी कुछ उन्होंने क्लेम्स मेंशन नहीं किए हैं। सो हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के रिलेटेड। सो पहले मैं आपको बता दूं कोजिक एसिड के बारे में। सो कोजिक एसिड हमारे स्किन के अंदर जाके, स्किन के लेयर्स के अंदर जाके मेलानिन पिगमेंट को कम करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सोप है। सो अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे इस सोप को, जैसे नॉर्मल सोप है वैसे ही आप यूज़ करें, सो क्या होगा कि आपका जो मेलानिन पिगमेंट है वो कम हो जाएगा। आप इसे फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, स्किन वाइटनिंग सोप है, फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। सो ये कोजिक एसिड के वजह से आपके स्किन को लाइटर टोन दे देता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डार्क हो तो एक झटके में इमेजिन मत करना कि बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाओगे। ये चमत्कारी प्रोडक्ट नहीं है, इट वर्क स्लोली बिकॉज ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि फ्रेग्रेंस डाला गया है इसमें एक्स्ट्रा, बट अदरवाइज इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सो क्या होता है कि आप जब इसे फर्स्ट वॉश करोगे तो आपको थोड़ी आपकी जो डार्क स्किन है उसको आप थोड़ा सा लाइटर महसूस करोगे फर्स्ट वॉश से ही। सो मेरी स्किन ऑलरेडी फेयर है, सो मैंने इसे यूज किया अपने हस्बैंड पे, उनको ट्राई करने दिया, तो जो सांवले लोग हैं उन पे ट्राई करने के लिए और देखा रिजल्ट कैसा है तो मैं आपको बता रही हूँ। सो मैंने भी जब इसे यूज किया तो मुझे भी काफी अच्छा ग्लो लगा फर्स्ट में ही, लाइक यू नो मेरी स्किन ऑलरेडी व्हाइट है एंड फेयर हूँ तो और भी ज्यादा निखर के आया था। सो रियली रियली लाइक इट। जब पार्टीज या इवेंट्स होते हैं तो मुझे डेफिनेटली इसका एक वॉश लेके जाना अच्छा लगता है बिकॉज ये अच्छा ही ग्लो दे देता है हमारी स्किन को। सो दैट इज वॉट यू विल फील इन द फर्स्ट। तो कोजिक एसिड के वजह से ये होता है, कोजिक एसिड हमारे जो मेलानिन पिगमेंट है उसको कम कर देता है, सो लोअर्स द लेवल ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन योर स्किन। सो ये कोजिक एसिड करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें जो है फ्रेंड्स वो है आर्ब्यूटिन। सो ये आर्ब्यूटिन क्या करता है, हमारे स्किन को लाइटन करता है, जैसे इसका नाम है स्किन वाइटनिंग सोप। सो ये जिसमें आर्ब्यूटिन जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे स्किन की टोन को लाइटन करता है। डार्क स्पॉट्स अगर कुछ भी है हमारे फेस पे, ब्लेमिश है, हाइपर पिगमेंटेशन मार्क है, उसको भी लाइटर करेगा। सो अगर आपके ऐसे जो आप देखते हो बहुत लोगों को ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन मार्क्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, लाइक यू नो इनर बॉडी की वजह से भी हमारे चेहरे पे कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं, सो ओवर द पीरियड ये बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो उसको आप एक झटके में नहीं सोच सकते हो कि चले जाएंगे, बट रेगुलरली साबुन का यूज करेंगे
एक दो महीने के लिए, और ये काफी लंबे टाइम तक चलता है। अगर आप नॉर्मल कोई भी सोप देखते हो हम जो यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो भी अगर एक बंदा अगर पूरे बॉडी पे भी यूज करता है तो ऑलमोस्ट एक या सवा महीना तो चलता ही है उस बंदे को भी, और ये ज्यादा जल्दी पिघलता भी नहीं है। बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट इज लाइक यू नो, कोजिक एसिड सोप भी मैंने यूज किया वो जल्दी पिघल भी जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये अच्छे इंग्रीडियंट से बना हुआ है फ्रेंड्स, इसमें आरब्यूटिन, विटामिन ई, विटामिन सी डाला गया है, तो ये इतना जल्दी पिघलेगा भी नहीं। सो यू कैन यूज इट फॉर 1.5 or 2 months एटलीस्ट। अगर आप सिर्फ फेस के लिए यूज कर रहे हो तो ये ऑलमोस्ट आपको 3 महीने तक आराम से चल जाएगा। सो वो एक चीज है, डार्क स्पॉट्स को भी निकालेगा, हाइपर पिगमेंटेशन मार्क्स को निकालेगा, ये आरब्यूटिन करता है, ये जो इंग्रीडियंट है वो करता है, एंड एंटी एजिंग तरफ से जैसे उन्होंने क्लेम लिखा हुआ है एंटी एजिंग सोप है। सो ये आरब्यूटिन करता है, हमारे जो रिंकल्स है, हमारे जो डार्क स्पॉट्स है, फेड स्पॉट्स जो हमारे चेहरे पे थोड़े बहुत होते हैं ना, पिंपल मार्क्स है, वो सारे ये आरब्यूटिन रिमूव कर देता है। देन द थर्ड इंग्रीडियंट उन्होंने कहा है विटामिन सी। नाउ विटामिन सी एक होता ही है ग्लो, सो ग्लो सेरम में भी हम विटामिन सी यूज करते हैं, हम लाइक यू नो ऑरेंज जूस अप्लाई करते हैं हमारे फेस पे सो दैट वो निखार आए। सो विटामिन सी जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट में होता है वो स्किन लाइटन करता है ऑब्वियसली। सो विटामिन सी हमें एक हेल्दी ग्लो देता है, ऑल्सो के वो एज स्पॉट्स को निकालता है विटामिन सी, और एक नेचुरल ग्लो मिल जाता है विटामिन सी से, तो आपकी स्किन डेफिनेटली लाइटर होगी अगर आप विटामिन सी यूज करते हो तो। सो इस सोप में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। देन यू हैव विटामिन ई। नाउ ऐसे हम कोई भी सोप यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, तो फेस पे तो मैं पहले रिकमेंड ही करूंगी कि आप सोप्स ना यूज करें, माइल्ड फेस वॉश ही यूज करें, बट अगर आपको स्किन को लाइटन करनी है, अगर आप उस रिलेटेड सोप देख रहे हैं तो आप इसे यूज कर सकते हो, ये बिल्कुल ड्राई नहीं करेगा आपके स्किन को बिकॉज इसमें विटामिन ई भी डाला गया है। सो विटामिन ई क्या करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। विटामिन ई के बारे में कौन नहीं जानता फ्रेंड्स, स्किन केयर के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है ये, हमारे स्किन को लाइट करता है, एक हेल्दी एंड नेचुरल ग्लो देता है, ऑल्सो कि हमारे स्किन पे कुछ भी होता है तो उसको रिपेयर भी करता है विटामिन ई बहुत हद तक। सो ड्राई पैचेस हो या ऐसा कुछ भी हो तो उसे रिपेयर भी करता है। सो दिस वॉज इट अबाउट ऑल द इंग्रीडियंट्स एंड आई रियली रियली लाइक इट। मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको कह दूं जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम वॉश किया अपने फेस को, मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ड्राई है। सो अगर आप कोई ड्राई क्लाइमेट में रहते हो और इसे यूज करते हो तो फर्स्ट वॉश में आपको ड्राई खींचा खींचा सा फील आता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक मॉइस्चराइजर या ऐसा कुछ लगा लें, ये ऑल स्किन टाइप पे सूटेबल है, मेन एंड फीमेल। कॉमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्या हम यूज कर सकते हैं, तो जेंट्स भी यूज कर सकते हैं एंड या सो मैंने तो अपने हस्बैंड को ही दिया था इसे यूज करने के लिए, तो 3 packets है मेरे पास एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो अमेजोन से परचेस करो या कहीं से भी परचेस करो, सो पैक ऑफ 3 में ऐसे मिलते हैं, तो ये इसलिए क्योंकि काफी अफोर्डेबल भी है और आपको 85 rupees का पर पीस भी नहीं पड़ेगा और सस्ता पड़ जाएगा, तो परचेस लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। सो ये काफी अच्छा है, फुल फैमिली से यूज भी कर सकती है एंड या दिस इज व्हाट अबाउट द होल रिव्यू, मुझे काफी अच्छा लगा है, बट या थोड़ा मेरी स्किन को ड्राई फील करता है आफ्टर द वॉश, सो आई अप्लाई लाइट मॉइस्चराइजर या सैरम कुछ भी आप अप्लाई कर लीजिए। सो या दैट इज इट अबाउट द रिव्यू। सो आप अब देख लीजिए एक डेमो, और डेमो देखने के बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स। नए हो मेरी चैनल पे, पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें बगैर जाना नहीं, हिट द सब्सक्राइब बटन एब्सोल्युटली फ्री है, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो चलो देखते हैं डेमो।